गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल आकांक्षा लाइव। तो आज है हमारा यहाँ का थर्ड डे। गुड मॉर्निंग गुलांटी। गुड मॉर्निंग राधे राधे। और अभी हमने ना कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन कर लिए थे। हमने सुबह सुबह यहाँ की आरती अटेंड कर ली है। दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो पहले हम देखेंगे, थोड़ा सा चाय नाश्ता करेंगे, उसके बाद बांके बिहारी जाएंगे। यहाँ कृष्ण जन्मभूमि से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है बांके बिहारी जी का मंदिर, और वो खुलता भी 9 बजे ही है। तो अभी 8:30 के आसपास का टाइम हो रहा है, तो इसलिए हम पहले सोच रहे हैं चाय वाय पी लें और उसके बाद फिर निकलते हैं। तो आप लोग भी चलिए। तो हम आ गए बांके बिहारी के मंदिर पे, और अभी हम चल रहे हैं गलियों में, क्योंकि ऑटो वाला थोड़ा पहले उतार देता है ना इसीलिए। और आंटी को आ रही है बहुत हंसी। आंटी बता दो, आपको किस बात पर हंसी आ रही है बता दो। राधे राधे। राधे राधे। पीछे आ रहे हैं पापा। शिवी और भाभी आगे चल रहे हैं। शिवी काना से मिल लेना, पैदल जाते हैं। तो अभी हमने दर्शन कर लिए और ये है हमारे शिवी। क्या बोल रहे हो? राधे राधे। और यहाँ चल रही है सबकी लस्सी। तो जी ये है निधिवन, और आप देख रहे होंगे यहाँ पे इतने बंदर है कि इनको ना पूरे जाल से कवर करना पड़ रहा है। और अगर मैं आपको पास से दिखाऊं तो ये तुलसी के वृक्ष है, जो कि रात को बन जाते हैं गोपी और कान्हा, और कान्हा जी यहाँ पे डेली आके रास करते हैं। और यहाँ की जो वृक्ष है ना, ये आपस में ना जुड़े हुए हैं। जैसे राधा कृष्ण आपस में जुड़े हुए हैं ना, वैसे जो यहाँ के वृक्ष हैं उनकी टहनियाँ ना आपस में जुड़ी हुई हैं। और ये आ रही है भाभी, राधे राधे। और ये आंटी, अंकल, पापा, और शिवी पता नहीं कहाँ छुप गई। और आगे तो बहुत अच्छी जगह है, अब दिखाऊंगी। यहीं पे रंग महल है। अरे शिवी, ये रही। राधे राधे। तो जी यहाँ पे ना रंग महल भी है। तो यहाँ पे कहते हैं कि ना एक महल है जहाँ पे ना ये लोग प्रसाद और बेडशीट वगैरह, मतलब एक रूम टाइप का बना हुआ है, तो वो लोग ना रात को इसको लॉक कर देते हैं। और जब भी वो सुबह आके देखते हैं ना, तो चादर भी बिखरी हुई होती है, पान भी खाया हुआ होता है, और मिठाई भी खाई हुई होती है। तो ऐसे कहते हैं कि यहाँ पे हाँ दातुन भी रखते हैं, दातुन भी चबाया हुआ होता है, पानी रखते हैं, पानी का लोटा भी आधा खाली होता है, मतलब पिया हुआ पानी होता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि कृष्ण जी रात को रास करने भी जरूर आते हैं, और रंग महल में भी जरूर रहते हैं। तो ये वो मंदिर है जहाँ से बांके बिहारी की जो मूर्ति है वो प्रकट की थी, मतलब यहाँ से प्रकट हुई थी। फोटो नहीं लेते। तो यहाँ पे प्रकट हुई थी बांके बिहारी पे जो मूर्ति है, वो वाली मूर्ति यहाँ से प्रकट हुई थी। और अब हम चलेंगे आगे। और आपको एक खासियत बता दूँ, यहाँ के आसपास के जितने भी घर हैं ना, सबकी खिड़कियाँ रात को अंधेरा होने के बाद बंद हो जाती हैं। और यहाँ पे निधिवन में कोई भी नहीं होता रात को अंधेरा होने के बाद, क्योंकि यहाँ पे कान्हा जी रास करने आते हैं। पहले के टाइम पे ऐसा हुआ था कि बहुत लोगों ने क्या किया, इस बात को सीरियसली नहीं लिया, और वो भगवान को देखने के लिए आगे निधिवन में रुक गए, छिपके रह गए। बट जब सुबह देखा तो वो फिर वो ना बिल्कुल ऐसे, मतलब एक तरीके से वो ऑलमोस्ट डेड हो गए थे, क्योंकि वो ना चकित वर्ड का परफेक्ट रहेगा उसके लिए, चकित हो जाते हैं भगवान को देखते। तो फिर ऐसा हुआ था, तो इसीलिए यहाँ के खिड़की दरवाजे भी, आसपास के जितने लोग हैं सबके बंद होते हैं, और क्या कहते हैं यहाँ पे कोई और भी नहीं रहता। तो ये है वो महल जिसकी मैं बात कर रही थी, यहाँ पे कृष्ण जी डेली आते हैं राधा जी का श्रृंगार करने। देखो यहाँ के सारे वृक्ष कैसे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। ये वो जगह है जहाँ पे राधा जी ने चुराई थी कृष्ण जी की बांसुरी। Thank you.
हमने कर लिए हैं ऐसे गाड़ी और हम निकल गए हैं दिल्ली के लिए, और ये ट्रिप हो रही है यहीं पे खत्म। तो हम मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट